मुझे हंसी तो तब आती है, ताज्जुब तो तब होता है। अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जा रहा है मोटरसाइकिल पे और ढूंढता है कहीं हाथ सेकने के मिल जाएंगे क्या। और उस हाथ सेकने के वाले को पूछो, बोले कार लेगा कार, बोले हाँ हाँ लाद दिलाओ, बोले कंपनी ज्वाइन करनी है उसको दो मेंबर बनाने पड़ेंगे। ए कोई काम है जे ना होगा मेरे से ना, हमारे गांव में एक ने करी तो फिर जा मोटरसाइकिल पे मर ठंड में, हम क्या करें फिर। कई लोगों के साथ में अगर दो लोग आ जाएं तो वो खुशी के मारे फट जाते हैं, और दो लोगों ने ना बोल दिया तो वो गम के मारे एकदम से रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो व्यक्ति बोलेगा अगर दो लोगों ने मना किया कोई बात नहीं, ये चैलेंज कर रहा है कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा तो मैं भी अपने असली बाप की औलाद नहीं कि तेरे बिना डायमंड बन के नहीं दिखाया। ये एटीट्यूड की बात होती है। इस संसार के अंदर अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नजरिए के ऊपर काम करो, अपने थॉट्स को देखो, अपने विचारों को देखो। आज संसार में जो कोई भी आदमी अमीर है वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से, और अगर कोई गरीब है तो वो अपने विचारों की वजह से। गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता रहता है और अमीर हमेशा अमीरी के बारे में सोचता रहता है। अगर आपको बड़ा काम करना है, कामयाबी लेनी है तो भरोसा करना होगा। हमारी कंपनी का फर्स्ट मोटो ये है, बिलीविंग इज अचीविंग। जो भरोसा करेगा वही पाएगा। बात भरोसे की है साहब। क्या हम अपने नजरिए को पॉजिटिव रख सकते हैं? हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में हमेशा एक व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा तो उसको मरने के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है, और आपको उस अच्छाई को देखना है। क्या हम उस अच्छाई को ढूंढ सकते हैं? अभी यहां पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं लोग, 8,000 रुपए क्या दे दिए पता नहीं, बहनामा कराने के चक्कर में रहते हैं। मुझे जेट सर्टिफिकेट दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा कैसे होता है, जे जगवार इन्हीं की कैसे मान लू, नहीं इनको 8 लाख आते हैं मुझे कैसे पता। तो मान ले यार, इतना बोल रहे हैं तो इतना काहे, मतलब है 8,000 रुपए ही तो दिए, क्या करें, ठुमका लगा के दिखाएं पैसा वसूल कराने के लिए। जिंदगी चलती तभी है कि जब हम विश्वास करते हैं एक कदम पर कि अगला कदम भी रख सकता हूं, तभी जिंदगी चल रही है, वरना जिंदगी चल नहीं सकती। अगर आपको यहां पर भी अगर तरक्की करनी है तो आपको विश्वास करना होगा सेफ शॉप पर। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं मानते लोग, और उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं यहां तो 8,000 में इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, वो लोग 20 रुपए में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। साहब वहां नहीं पूछते कुछ भी, जाकर के बैठ जाते हैं रिक्शा में और बोल देते ले चल बस स्टैंड, और आज पौवा चढ़ा के वीर रिक्शा वाला, और मन करेगा तो बस स्टैंड और नहीं तो यमपुरी, रोक लोगे क्या? 20 रुपया टिका के भरोसा कर लिया पहुंचा देगा, और कहां पहुंचा देगा ये उसकी मर्जी है। यस या नो? विश्वास करना होगा अपने आप पर। मैं कोई पापी आदमी नहीं हूं, मैं इस संसार में आया हूं करोड़पति नहीं अरबपति बनने के लिए आया हूं, मुझे खुद पे भरोसा है और मैं बन के दिखाऊंगा। विश्वास खुद पे करना होगा। आज तक कमिटेड लोगों ने अपना जीवन बदला है, नॉन कमिटेड आदमी कुछ नहीं कर सकता। कमिटमेंट होना चाहिए हमारी, कुछ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, और एक बार प्रतिज्ञा कर ली हमारा इतिहास भरा पड़ा है। एक से एक बड़े सूरमा इस भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं जिन्होंने कमिटमेंट की खातिर चाहे जान चली जाए लेकिन कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। यस या नो? कुछ न कुछ लेके जाना, चाहे एक प्लान दिखाने का। एक फेरी वाला भी कमिटमेंट लेके निकलता है, 40 किलो केला है, 5 गांव में घूमूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा, केला ले लो, केला ले लो, केला ले लो, केला ले लो, चिल्लाता ही रहता है। यस या नो? नानी मर जाती है केला, हे गुरु जी प्लान कैसे दिखाऊंगा। देखो देश की सरहद पे लोग AK-47 उठा के खड़े हैं, तुम यहां पे यहां रह के भी तुम्हें फोल्डर नहीं उठाया जा रहा,